CUET UG एग्जाम 2024 में अभी 2 महीने का समय है। फिलहाल exam.nte.ac.in पर CUET का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो परीक्षा की तैयारी तो जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि CUET एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि इस एक परीक्षा से DU, BHU, AMU समेत देश के सभी टॉप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलने वाला है। यह वीडियो CUET UG एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में ही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा CUET UG एग्जाम 2024 का आयोजन 15 मई से लेकर 31 मई तक होने वाला है। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण ये तारीख बदलने की पूरी संभावना है। फिलहाल आप CUET UG.NTAonline.in पर जाकर CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर पूरी कोशिश करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। CUET का एग्जाम देने से पहले आपको UG CUET 2024 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है। CUET का एग्जाम 3 पार्ट में होगा। उसमें नंबर 1 पे है CUET परीक्षा की भाषा। अंग्रेजी, हिंदी सहित आप 13 भाषाओं में से किसी भी एक में CUET UG एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक, 44 सब्जेक्ट के ऑप्शन में से 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तीसरा, जनरल टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। विजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट, यह ऑप्शनल होता है जो विजुअल आर्ट्स, डिजाइन और संबंधित कार्यक्रमों के लिए आयोजित होता है। चलिए तो बताते हैं CUET एग्जाम की तैयारी कैसे करें। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लगभग सभी मेंस पेपर की परीक्षा हो चुकी है। एक तो विषय ही बचे हैं जिनका मार्क्स खत्म होने से पहले ले लिया जाएगा। अब समय है कि आप अभी से CUET परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अभी समय है, पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। डोमेन वाले सब्जेक्ट तो 12वीं के सिलेबस से ही मिलते जुलते होंगे, लेकिन जनरल टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी होगी। हो सके तो इनके लिए अलग से क्लासेस या कोचिंग ले लें। परीक्षा में रीडिंग और कंप्रेशन आते हैं, इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के पैसेज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्लेक्चुरल, लिटरेरी और नैरेटिव पैसेज की तैयारी के साथ साथ लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी की तैयारी करें। 12वीं की NCERT बुक्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट में उसी से सवाल आते हैं। CUET एग्जाम में करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के सवाल भी पूछे जाएंगे, इसलिए न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ें और अप टू डेट रहें। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, ऐसे रीजनिंग सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो करें। आपकी परीक्षा की तैयारी किस लेवल पर है यह जांचने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें। CUET एग्जाम प्रिपरेशन के बीच अपना ख्याल रखना ना भूलें। समय से खाना, पूरी नींद लेना, खेल कूद के लिए भी थोड़ा समय निकालना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका पॉजिटिव रहना, मानसिक तनाव से दूर रहना सबसे ज़रूरी है, नहीं तो अच्छी तैयारी भी फीकी पड़ सकती है। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके आप भी CUET एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकते हैं और अपना मनचाहा कॉलेज ले सकते हैं। धन्यवाद।